और फिर आपने देखा होगा हमारी सरकार केवल विकास ही नहीं कराती है, हमारी सरकार ने फिर बुलडोजर का भी उपयोग करना शुरू किया। और आज जब प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों आज ये सभी माफिया जो 4.5 वर्ष तक अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इनको ये लगा कि एक अवसर है कि फिर से किसी सत्ताधारी दल, किसी दल के साथ, सत्ताधारी ना भी हो किसी दल के साथ जुड़ जाएंगे, हो सकता है कि कुछ आगे जीने की एक राह मिल जाए। लेकिन भाइयों बहनों मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, पहले 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं जो मैंने पहले दिन कहा था, ये चुनाव 80-20 का है, 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, 20 में बंटवारा है। मैं कल से बुंदेलखंड में हूं और बुंदेलखंड में जितनी सीटें हैं मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी अन्य दल की वहां पर बोनी भी नहीं फूटने वाली है, केवल भारतीय जनता पार्टी। मैं पश्चिम में जाता हूं, पश्चिम में आपने देखा होगा माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने दल की सीमा से हट करके, जाति और मत और मजहब की सीमा से उठ करके अपना 100% वोट कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी को दिया। और इस पूरे कार्यक्रम जिनके यहां से प्रत्याशिता के बाद आप सबके एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में जो आपकी सेवा कर सके, जिनके पास प्रशासन का, पुलिस का एक लंबा अनुभव है, श्री राजेश्वर सिंह जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे लखनऊ की इस प्रतिष्ठित सरोजनी नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों 2017 के पहले बहुत दूर हम जाने की आवश्यकता नहीं है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। आज यह उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाएंगे तो भी हर एक व्यक्ति की जवान से यह आवाज निकलेगी, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज हम सबके सामने है। 2017 के पहले भय, दहशत, दंगा, कर्फ्यू यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के अंदर जब दंगे होते थे महीनों कर्फ्यू लगता था, अराजकता थी। आप तो इस सरोजनी नगर क्षेत्र में रह रहे हैं, यह लखनऊ का नव विकसित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग पुराने समय से हैं, कुछ लोग नए आए हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, सूर्य अस्त के पहले हर व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करके अपने घरों को जाने के लिए मजबूर था, व्यापारी पलायन कर रहा था, सत्ता के संरक्षण में पेशेवर दंगाई और माफिया प्रदेश के अंदर पल फूल रहे थे। आज वही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले दंगा, भय, आतंक ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी, आज वही उत्तर प्रदेश 5 वर्ष के बाद दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, अराजकता से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। और भाइयों बहनों अब तो उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, अब शानदार कावड़ यात्रा निकलती है, और अब बाजारों में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के नारे लगा करके कावड़ यात्री जब निकलता है तो शिव के गणों से गुंजायमान पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब की पहचान को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बड़े बड़े माफिया
सत्ता का सागर्द बनते थे, कोई भी सरकार रही हो उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था। यहां लखनऊ में डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर एक माफिया ने अपने पांच बड़ी बड़ी हवेलियां बना दी थी। मैं एक बार उधर गया, मैंने कभी हवेली किसने बनाई, मैं सोचता था कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बनाई होंगी, तो मुझे लगा कि नियमों का पालन करते हुए नहीं बनाई गई है, क्योंकि सुरक्षा के साथ मुझे लगता था कि ये कुछ खतरा हो सकता है। तो मुझे बताया गया साहब ये फलाने माफिया के हैं। तो मैंने कहा डीजीपी आवास के ठीक सामने इस माफिया का इतना तो साहस, कहा साहब 12 से लेकर 16 के बीच में ही तो हुआ है। मैंने कागज मंगाए, आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने विकास प्राधिकरण के कागज में भी उस माफिया का नाम दर्ज कर दिया था, नक्शे के भी गलत तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। बुंदेलखंड में ये सीमा बढ़ी है, बुंदेलखंड में हर नौजवान, हर व्यापारी, हर महिला, हर बेटी केवल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान कर रही है। कारण साफ है, क्योंकि बुंदेलखंड को माफिया राज से मुक्त करने के लिए अगर किसी ने कार्य किया है वह वही बुंदेलखंड है जहां की प्राकृतिक संपदा पर खनन माफिया हावी होकर के पूरे बुंदेलखंड को माफिया राज से उन्होंने पूरी तरह उसके चपेटे में ला करके पूरे बुंदेलखंड में एक आतंक फैलाया हुआ था। वहां भू माफिया था, वहां खनन माफिया था, वहां हर प्रकार का अराजक तत्व हावी होकर के पूरे बुंदेलखंड को तबाह कर रहा था। लेकिन आज माफिया मुक्त, किसी भी प्रकार से माफिया से मुक्त, डकैतों से मुक्त बुंदेलखंड की धरती एक बार विकास की नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में जो 6 नॉर्थ डिफेंस कॉरिडोर के दिए हैं उसमें से 2 बुंदेलखंड में और 1 लखनऊ में स्थापित होने जा रहा है। आज यही लखनऊ है, पिछले दिनों माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ में आकर के हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर का यहां पर शिलान्यास भी किया था और नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कार्य अब लखनऊ में होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 250 एकड़ लैंड फ्री में भारत सरकार को दी है और यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन होगा। भाइयों बहनों, जब ब्रह्मोस मिसाइल, लखनऊ में बनी हुई मिसाइल जब भारतीय सेना के हाथों में दुश्मन पर गरजेगी तो लखनऊ का भी उसमें नाम होगा। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल जब दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हुए कोई सर्जिकल स्ट्राइक की घटना को अंजाम देगी तो लखनऊ भी एक बार फिर कह उठेगा कि मुस्कराए आप लखनऊ में हैं। आपके चेहरे पर इस मुस्कुराहट को लाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। और भाइयों बहनों, उसी क्रम में 23 फरवरी को चतुर्थ चरण में मतदान करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। आप सोचिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर योजनाओं में कैसे बंदर बांट होता था, कैसे बंदर बांट होता था, विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, अराजकता का तांडव था। मैंने एक बहस में समाजवादी पार्टी से कहा, मैंने कभी तो बताओ कि आखिर आपका विकास कहां है। उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता के विकास के बारे में इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। कार्य योजना होती भी कैसे, उस समय के मुख्यमंत्री 12 बजे सोकर के उठते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 4 बजे उनकी मंत्रिमंडली आ जाती थी, उसके बाद मित्रमंडल के साथ उनकी अलग ही टीम अपने काम करने लगती थी, तो प्रदेश के लिए तो उनके पास समय था ही नहीं। और चाचा वसूली में बड़े माहिर थे, कोई नियुक्ति निकलती थी महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये चाचा भतीजों का, ये महाभारत के जितने रिश्ते थे ना,
अगर कहीं आपको देखना है तो मुझे लगता है कि महाभारत को ये सारे के सारे रिश्ते समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती अपर्णा यादव को कि उन्होंने समय रहते वहां से अपने को अलग कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र आराधना के इस यज्ञ के साथ जुड़ गए और इस राष्ट्र आराधना के अभियान के साथ जुड़ करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज वे मंच पर भी आई हैं और इसलिए हमें समझना होगा कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में विकास का कोई विजन नहीं था उनके लिए। जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनके लिए क्या था? सबका साथ और केवल सैफई खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पर वसूली, हर नौकरी विवादित होती थी, नौजवान का भविष्य खराब होता था। आज उनको याद आ रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी दे देंगे। अरे जब थे तब क्या किया था? 86 आप याद करिए, डिप्टी कलेक्टर के 86 पद निकले थे और 86 में से 66 एक ही जाति के सब भर दिए गए थे और वह भी पैसा लेकर के। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति 50 लाख 60 लाख देकर के डिप्टी कलेक्टर बना होगा, भाइयों बहनों, वह जाकर के क्या जनता जनार्दन की गरीब की सेवा करेगा? हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने लोगों को मुझे बर्खास्त करना पड़ा, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। कारण साफ था, क्योंकि बेमानी और भ्रष्टाचार फैला करके इन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया था। पिछले 5 सालों में हमने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया। आज 5 लाख सरकारी नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवान निजी क्षेत्र में जो निवेश हुआ है यहां नौकरी और रोजगार पाए हैं। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया। 60,00,000 लोगों को इसमें स्वतः रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने। लखनऊ तो स्मार्ट सिटी बनी रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने, इसके लिए हम लोगों ने 1,00,00,000 युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, 35,000 से अधिक युवाओं को अकेले लखनऊ के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन मिले हैं। 35,000 से अधिक, 1,00,00,000 युवाओं को हम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को देने की आवश्यकता ही नहीं, इसको रोक लगानी चाहिए। हमने कहा चिंता मत करो, अभी तो 1,00,00,000 दे रहे हैं, 10 मार्च को जब आएंगे इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के 2,00,00,000 युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी देंगे। और इसका खर्चा किसी मां बाप पर नहीं आने देंगे, इसका डिजिटल एक्सेस का जितना खर्चा आएगा यह भी सरकार वहन करेगी, किसी अभिभावक पर एक खर्चा भी नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, आपने यहां पर देखा होगा वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक एक मौत हमारे लिए दुखद है, लेकिन महामारी महामारी होती है। इस महामारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर वह संभव प्रयास किया गया जिससे प्रत्येक जीवन को बचाया जा सके। जीवन को भी और जीविका को बचाने का भी कार्यक्रम चला। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है सरोजनी नगर में, थोड़ा बताइए कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन लेने वाले ज्यादा लोग हैं,
यानी 70% लोगों ने पहली डोज ले ली है और भाइयों बहनों दूसरी डोज लेने वाले 75% लोग हैं प्रदेश में। याद करिए जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, नहीं लेंगे। आज आप देख रहे होंगे ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने थर्ड वेव को आने के पहले ही रोक दिया है। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। संकट के समय में या तो भारतीय जनता पार्टी आपके पास थी या डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा में थी। क्या सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता आपके बीच में था क्या? क्या ये लोग कहीं काम कर रहे थे क्या? ये लोग तब होम क्वारंटाइन में थे। और भाइयों बहनों इनको बताने की आवश्यकता है, जब आप संकट के समय नहीं थे तो इस समय आपकी आवश्यकता क्या है जी? कुछ और दिन क्वारंटाइन में रह जाते तो अच्छा रहता। इनको एक बार बताने की आवश्यकता है। और मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, जो भाइयों बहनों संकट का साथी नहीं वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। और राजनीति में इससे अवसरवादी आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसकी परवाह नहीं करनी है। हम लोगों ने तो वैक्सीन भी दी और भाइयों बहनों फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, तो डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की भी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का काम हुआ। 15 करोड़ गरीबों को डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करवा रही है डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों सरकार की संवेदना विकास के लिए है, नौजवान के लिए है, किसान के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और प्रत्येक को सम्मान देने के लिए है। लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस की संवेदना किसके साथ है? पेशेवर माफिया और अपराधियों के साथ, पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के साथ। आपने किराना में देखा होगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौन है, रामपुर में उनके प्रत्याशी कौन है और मऊ में कौन है। सीधे से नहीं दे रहे हैं तो बैकडोर से उन्हीं माफियाओं को टिकट देकर के फिर से प्रदेश को दंगा और आतंक के भय की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, सरकार बीजेपी की ही आ रही है, धूम धड़ाके से आ रही है। 80 बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है, 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो, इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है, ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टेयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। और इसी के लिए भाइयों बहनों आज मैं आपके पास आया हूं, सरोजनी नगर विधानसभा विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। और ये नई प्रक्रिया है जिसमें भाइयों बहनों हम लोगों ने यहां पर SCPGI के पुनरुद्धार की कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इसी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। और देश की नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण का इकाई भी यहीं पर स्थापित कर रहे हैं। 5,000 नौजवानों का अकेले उसी में नौकरी मिल जाएगी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या किसान पथ, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र उससे सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। भाइयों बहनों विकास और रोजगार के साथ साथ
सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सुरक्षा नहीं तो विकास की कोई सार्थकता नहीं। हम लोग विकास और सुरक्षा को एक साथ जोड़ करके चलते हैं। एक दंगा मुक्त प्रदेश, भय मुक्त प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश और एक ऐसा प्रदेश जो केवल विकास और सुशासन के ही मार्ग को नहीं, जिस प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और उत्तर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्रदान करना है, तो इसमें सरोजनी नगर सीट भी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? 23 फरवरी को जब चुनाव होंगे तो 23 फरवरी के चुनाव में श्री राजेश्वर सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके वे आज सरोजनी नगर के लखनऊ का बेटा है और लखनऊ की सेवा के लिए, जनसेवा के लिए आपके बीच में आए हैं। क्या आप सभी सहमत हैं? उनको वोट देंगे, घर घर जाएंगे, क्योंकि उनके पास समय कम मिला है प्रचार करने का और कम समय में एक एक घर तक पहुंचना। क्या आप सभी लोग जाएंगे? भाइयों बहनों, 23 फरवरी को होने वाले चुनाव में श्री राजेश्वर सिंह जी को सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। आप सभी लोग मेरे साथ सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी राजेश्वर सिंह जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी राजेश्वर सिंह जिंदाबाद।